रक्त पीड़ा से राहत के लिए आयुर्वेद में भी कई ऐसी औषधियाँ हैं जो नियमित सेवन किया जाए तो उससे काफ़ी जो है जीवन पर फर्क पड़ता है। बीमारी जब से ठीक होगी ये गारंटी होगी। दूसरा ये है कि समय से भोजन किया जाए, भोजन की होना चाहिए, तो ये बहुत ही आवश्यक है। ये सारे जड़ों की सबसे बढ़िया दवा है। बीमारी होने की मेन वजह है जड़। नियमित समय से भोजन ना होना, देर सुबह से उठना, रात्रि में जागरण करना, ये उसका मेन कारण। काफ़ी वर्षों से इसमें गुरुकुल की चाय आती है जो औषधि युक्त होती है, उसमें कोई चाय का सेवन नहीं होता, वो केवल उसमें औषधियाँ होगी। आप चाहें तो उसको आप ले सकते हैं। बहुत बड़ा रोल सरकार का इसमें हो रहा है। अच्छी अच्छी दवाइयाँ सरकार के द्वारा बांटी जा रही हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय बड़े बड़े खोले जा रहे हैं, उसमें प्रतिदिन फ्री इलाज हो रहा है। इसमें लोगों को दवाइयाँ समय से मिल रही हैं, सुविधाएँ बहुत हैं। आयुर्वेद सरकार भी है, बहुत हेल्प कर रही है। प्रेम भाव होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे की बात माने लोग, सहयोग करें। सहयोग कब से जुड़े आप आयुर्वेद से, क्या कारण है यात्रा रही आयुर्वेद से जुड़ने की? ये मैंने 1977 से लेकर 1982 तक इसका आयुर्वेद का अध्ययन किया। अच्छा, 1977 से 1982। जी हाँ। आयुर्वेद हमारे प्राचीन काल की धरोहर है। ऋषि मुनियों ने घोर तप और परिश्रम से इस ज्ञान को अर्जित किया है और जन कल्याण के लिए बांटा, पर धीरे धीरे इसकी महत्ता कम होती जा रही है। क्या कारण रहे जनता में इसकी जागरूकता को लेके? इसकी जागरूकता के लिए इसके लिए अभियान चलाया जाए पहले तो आयुर्वेद के विषय में, और इसका प्रचार प्रसारण किया जाए, उससे इसकी और आवश्यकता बढ़ेगी। मतलब प्रचार प्रसार के साथ प्रसार, क्योंकि एलोपैथी को लोग ज़्यादा कर रहे हैं, आयुर्वेदिक को लोग भूल रहे हैं, क्योंकि लोगों को तत्काल आराम चाहिए। एक कारण ये भी हो सकता है। नहीं, इसमें भी कई दवाएं ऐसी हैं जो तत्काल आराम देती हैं। अच्छा, आयुर्वेद तत्काल आराम है, लेकिन लोग को ज़्यादा समय तक थोड़ा लेना पड़ता है, लॉन्ग टर्म तो। लेकिन बीमारी भी तो जल्द से ठीक हो जाती है। बीमारी जल्द से ठीक होगी ये गारंटी होगी, ये गारंटी है। कितना अंतर है एक एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाई में इसके असर करने और जल्द से रोग खत्म करने के मामले को लेकर? इसमें केवल समयावधि का अभाव है। केवल आयुर्वेद में समय थोड़ा लगता है और एलोपैथी में थोड़ा थोड़ी करंट समय में आराम मिल जाता है। अच्छा, बस समय का समय थोड़ा ज़्यादा लगता बस है। और कुछ नहीं। और बाकी कोई अंतर नहीं है, मतलब तुरंत असर करती है, थोड़ा धीरे थोड़ा समय लगेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म एलोपैथी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है, क्या कारण? इसके पीछे पैसा, लोगों में जागरूकता का अभाव या लोगों को तुरंत पीड़ा से राहत चाहिए? तुरंत पीड़ा से राहत के लिए आयुर्वेद में भी कई ऐसी औषधियाँ हैं जो नियमित सेवन किया जाए तो उससे काफ़ी जो है जीवन पर फर्क पड़ता है। आजकल खान पान का स्तर सात्विक से गिरता हुआ राजसिक और तामसिक होता जा रहा है, ये तो आप देख ही रहे होंगे। कितना कर ठीक और ख़राब है सेहत के लिए, हमारे मन और कर्म के प्रभाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसके लिए सबसे बड़ा योगा किया जाए। दूसरा ये है कि समय से भोजन किया जाए, और तामसिक भोजन बिल्कुल फास्ट फूड वगैरह ये सब बंद करना पड़ेगा। लोगों को अपने आप इसकी जो है समझ में आ जाएगा, अपने आप स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ जीवन रहेगा। ये घर में कम से कम क्या क्या आयुर्वेदिक चीजें होनी चाहिए? गोदंती होना चाहिए एक तो। गोदंती जी, ये बहुत ही आवश्यक है। ये सारे जड़ों की सबसे बढ़िया दवा है। अच्छा, एक दवाई अश्वगंधा होना चाहिए इसके अंदर। त्रिफला वगैरह होना चाहिए, सतोफला वगैरह होना चाहिए, खांसी वगैरह के लिए ये नियमित दवाएं हैं। रेगुलर दवाई में इसको आप ले भी सकते हैं थोड़ा। अच्छा, अभी हाल में ही कोरोना की बीमारी का बड़ा हल्ला हुआ, क्या कहना चाहोगे इस आयुर्वेदिक स्तर पर? इसमें सबसे अच्छा इसमें ग्लोय का मात्रा, इसको ग्लोय को नियमित लोगों ने जिसने लिया वो उससे दूर रहा। कोरोना काल में तो आयुर्वेदिक ही बचा गया। आयुर्वेदिक सबसे बढ़िया इसके लिए ग्लोय दवा थी। नहीं, उस समय काफी रक्षक आयुर्वेदिक ने ही की कोरोना काल में, अंग्रेजी दवा तो बैठ गई थी। मैन ग्लोय और अश्वगंधा। ये स्वस्थ जीवन जीने के लिए और हॉस्पिटल ना जाने पड़े, आयुर्वेद की तरफ से मूल मंत्र या कोई सेवन करने योग्य कोई नियम या आहार के लिए तली हुई चीजें कम खाएं। और फास्ट फूड पे थोड़ा ध्यान दें। नियम का योगा वगैरह डेली प्रतिदिन, आयाम प्राणायाम वगैरह, योग प्राणायाम योग वगैरह सब करें। बीमारी होने की मेन वजह या जड़? नियमित समय से भोजन ना होना, देर सुबह से उठना, रात्रि में जागरण करना, ये उसका मेन कारण। मोबाइल का भी इफेक्ट है आजकल? मोबाइल का तो पूरा इफेक्ट होता है, लेकिन नियमित भोजन समय से ना करना, और सुबह देर समय तक उठना और रात को देर समय तक जागना, ये उसका मेन कारण।
पित्त और कफ को आयुर्वेद से नियंत्रण रखने की औषधि जो घर पर एक आम इंसान भी ले सके, ऐसी कोई औषधि है वात पित्त और कफ के लिए? इसके लिए कई दवाएं आयुर्वेद में। अच्छा, कौन कौन सी? इसमें आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं, गोदंती भी ले सकते हैं, गिलोय भी ले सकते हैं आप इसमें। अच्छा, ये वात पित्त कफ के लिए बढ़िया काम करता है। क्या आयुर्वेद हर बीमारी का निदान कर सकता है? हर बीमारियाँ भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो उसमें कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो आयुर्वेद में उसका इलाज बहुत समय से नहीं हो पाता है और बीमारी बाद में मालूम पड़ती है, इसकी मेन वजह। आजकल लोगों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और सहनशीलता कम होती जा रही है, आयुर्वेदिक स्तर पर इसका कोई उपचार या ध्यान रखने योग्य बातें कोई बात है? सबसे बढ़िया योगा और मैंने योगा ही है। योगा ही है मैं सबसे बेस्ट, आज हर फील्ड में काम करें, हर फील्ड में काम करें और योगा ही है। सही कह रहे हैं, लोग चाय और कॉफ़ी का बहुत सेवन करते हैं, आपको आयुर्वेदिक चाय का बनाने की कोई विधि बताएं जो कम से कम नुकसान की हो और शारीरिक तौर पर फायदेमंद हो? काफ़ी वर्षों से इसमें गुरुकुल की चाय आती है जो औषधि युक्त होती है, उसमें कोई चाय का सेवन नहीं है, वो केवल उसमें औषधियाँ होगी, केवल आप चाहें तो उसको आप ले सकते हैं, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। इसी माध्यम से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ताकि आयुर्वेद को जानने के इच्छुक को कोई आयुर्वेद से जुड़ी किताब जैसी कि चरक संहिता और अष्टांग हृदय जैसी कोई किताब हो तो बताएं। उसमें चरक संहिता आती है, सुश्रुत संहिता आती है, भागवत आती है, आयुर्वेद सार संग्रह आती है, कई किताबें पुस्तकें ऐसी हैं जो उसकी सेवन करने से या उसको पढ़ने से देखने से समझने से बहुत फर्क पड़ता है। देश भर के अपने अन्य आयुर्वेदिक वर्ग के लिए मैसेज, जिन्होंने आयुर्वेदिक को जीवित रखने से पूरा साहस और शक्ति लगाई हुई है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए है कि उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है आयुर्वेद में, आगे देते भी रहेंगे, लोग कर रहे हैं इसमें काफ़ी, इसमें सुधार हो रहा है, पहले से बहुत सुधार हो रहा है, लोग इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और इसका सेवन भी कर रहे हैं। सेवन सरकार की तरफ से कोई गुहाई डिमांड या गुहार आयुर्वेदिक या आयुर्वेदा वर्ग की तरफ से आयुर्वेदिक ज्ञान की जागरूकता करने को लेकर सरकार से कोई? सरकार से तो बहुत इस समय बहुत बड़ा रोल सरकार का इसमें हो रहा है, अच्छी अच्छी दवाइयाँ सरकार के द्वारा बांटी जा रही हैं। अच्छा, आयुर्वेदिक चिकित्सालय बड़े बड़े खोले जा रहे हैं, उसमें प्रतिदिन फ्री इलाज हो रहा है, इसमें लोगों को दवाइयाँ समय से मिल रही हैं, सुविधाएँ बहुत हैं आयुर्वेद में, मतलब सरकार भी हेल्प बहुत हेल्प कर रही है, लोग अपने आप जागरूक हो रहे हैं। हमारी ये जरूरत थी, एलोपैथी तो अंग्रेजी आई थी, अपने तो आयुर्वेदिक था ना, अपने वेदों पुराणों में तो आयुर्वेदिक का ही ज्ञान था, लोग हम अपना ज्ञान भूल के लोगों का मतलब ज्ञान अपना नहीं, अब इसमें जो है आयुर्वेद के लोगों का बहुत रुझान है, रुझान और ज्यादातर लोग अब इसको ही पसंद कर रहे हैं, इसको ही पसंद क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये तो सही। सनातन भारत प्राचीन काल से इंसानियत की धर्म की रक्षा करते आया है और समय समय पर जिस पर भी धर्म पक या मजहब ने जन्म लिया है उसका भी आदर करते आया है, आपके अनुसार एक इंसानियत का धर्म क्या है? धर्म के लिए तो जो है जागरूकता ही है और कुछ नहीं इसमें, तो जागरूकता है, आपस में प्रेम भाव है, बस प्रेम भाव होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे की बात माने लोग, सहयोग करें, सहयोग करें, बहुत बहुत धन्यवाद।